जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जो है वेबसाइट बना सकते हैं। जी हाँ, कैसे आप जो है फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने का मतलब ये तो आप जानते ही होंगे कि वेबसाइट से भी पैसे कमाया जाता है ऑनलाइन, तो आप भी कैसे फ्री में वेबसाइट बनाकर पैसे कमा सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसके लिए दोस्तों मैंने खोला है wordpress.com, यानी कि वर्डप्रेस पर जो है हम अपनी फ्री में वेबसाइट बनाएंगे, जो कि यहाँ पर फ्री में एक आपको डोमेन मिल जाता है और साथ में जो है इसको बोल सकते हैं एक सब डोमेन है, क्योंकि आप यदि फ्री में चाहते हैं तो आपको एक सब डोमेन मिलता है, वर्डप्रेस जो है आगे लिखकर आएगा, जैसा कि ब्लॉगर में ब्लॉग स्पॉट के साथ होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे देखिए, यहाँ पर करके जो है अपना अकाउंट यहाँ से जो है क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक अलग से जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, योर ईमेल आईडी यूजर नेम वगैरह पूछ रहा है। लेकिन और यदि आप चाहते हैं कि जो है आपके पास कोई गूगल अकाउंट है या फिर फेसबुक वगैरह है, तो वहाँ से भी जो यहाँ पर साइन इन पर सीधे क्लिक करिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ मिल जाएगा। तो आपको नीचे देखिए यहाँ पर आ रहा है कंटिन्यू विद गूगल, तो आप इसको इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए इस तरह से जो है आपको ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपका जो भी अकाउंट है या लॉगिन है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मुझे जो है यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है एक अकाउंट, जो भी है आपको पहले से लॉगिन होना पड़ेगा गूगल में। ठीक है दोस्तों, या फिर अलग से भी लॉगिन हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है क्रिएट योर अकाउंट यहाँ पर देखिए लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी जो है मेरा अकाउंट जो है इस पर बन रहा है। तो यहाँ पर यदि आप जो है आपके पास जो नहीं चाहते इस पर अकाउंट बनाना, तो आप जो है लॉगिन ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, यानी कि आप गूगल के साथ जो है लॉगिन कर सकते हैं यदि आपका गूगल पर जो है आपकी अकाउंट है, ईमेल आईडी वगैरह है तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जो है लॉगिन हो चुके हैं और उसके बाद आपको करना है क्या है, सबसे पहले ये माई साइट पे आपको क्लिक करना है और ये देखिए ये बोल रहा है क्रिएट साइट। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो वेबसाइट बनाना है उसके लिए जो है हम आपको क्रिएट साइट पे हमें क्लिक करना होगा, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, मतलब किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं और मतलब आपका मोटिव क्या है, कोई नीचे है, मतलब क्या आपका सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पर जो है पहले सेलेक्ट करना होगा कि मतलब वेबसाइट में कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक ब्लॉग हो गया, बिजनेस की वेबसाइट हो गई, प्रोफेशनल होता है, इसमें आप जो है अपना कुछ भी सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। एक होता है ऑनलाइन स्टोर भी आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं, तो सारा कुछ जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम आपको यहाँ पर आप क्या जानना चाहते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉग के बारे में कि आप जो है वर्डप्रेस पर ब्लॉग कैसे बना सकते हैं हिंदी में। और वर्डप्रेस में जो है आप जो ब्लॉग, मतलब ये होता है कि आपको कोई भी आइडिया किसी खास रुचि में, किसी खास इंटरेस्ट के बारे में आपको शेयर करना होता है और फिर बाद में उसको हम जो है ऐड लगाकर वेबसाइट से या ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ब्लॉग के बारे में बताता हूँ। सिंपली ब्लॉग भी एक वेबसाइट होता है, लेकिन बात यह है कि इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता। ब्लॉग का मतलब ये होता है कि आप कुछ जो है इस पर शेयर करते हैं कोई आइडिया वगैरह और उसके साथ जो है आप पैसे कमाते हैं। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट लगाकर उसके बाद क्या होता है, वेबसाइट में ये होता है कि मान लीजिए आप कोई सर्विस खुद बेच रहे हैं और फिर उस पर भी आप चाहें तो जो अगर यदि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है तो वहाँ पर भी आप ऐड लगाकर पैसे कमा सकते हैं। तो सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट या कुछ भी आपको करना होगा तो इसे सीधे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनली जो है मैं आपको ब्लॉग बना देता हूँ। ब्लॉग पर क्लिक किया तो ये देखिए बोल रहा है कि इंटरेस्ट टॉपिक, यानी आपका इंटरेस्ट किस में है, ब्लॉगिंग के बारे में है, पीपल के, डेटिंग, फोटोग्राफी, किसके बारे में। चलिए मैं आपको ब्लॉगिंग पर ये क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग के बारे में है भैया। तो देखिए यहाँ पर आ गया इस तरह से योर न्यू ब्लॉग और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपका वेबसाइट व्यू इस तरह से होगा और फोन पर यानी कि मोबाइल पर जो भी खोलेगा तो इस तरह से होगा। ठीक है दोस्तों, ये ब्लॉगिंग के लिए है फाइनली। तो हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो ये देखिए ये हमारा आ गया। अब ये बोल रहा है कि टेल योर ब्लॉग नेम, तो आप ब्लॉग का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रामजी टेक्निकल। ठीक है, रामजी टेक्निकल ब्लॉग, तो यहाँ पर मैंने रामजी टेक्निकल ऐसे लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि गिव योर ब्लॉग एन एड्रेस, यानी कि आपको एक डोमेन जो है सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिखा रहा है, इस तरह से आप जो है सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर रामजी टेक्निकल जो है आपको तो उपलब्ध नहीं रहेगा क्योंकि मैंने इसको परचेज कर लिया है। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये दिखाएगा नहीं, देखिए। तो यहाँ पर जो है मैंने सर्च किया, देखिए यहाँ पर लिख रहा है रामजी टेक्निकल .com इज टेकन। तो आप यहाँ से कुछ अलग से जो चीज जो है चूज कर सकते हैं, मतलब कोई और नाम। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि चलिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ और, जैसे कि मान लीजिए सोनल साइट, ये हमने .com सर्च किया तो ये देखिए दिखा रहा है ये जो है अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं
और नहीं तो आप परचेज नहीं करेंगे, फ्री में बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री में, तो फ्री में जो है wordpress.com को जोड़ कर आएगा। तो चलिए हम फ्री में सेलेक्ट कर लेते हैं, पैसे नहीं है तो फ्री में भी काम हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमको प्लान बता रहा है कि आप यहाँ से कोई भी होस्टिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और यदि आपको फ्री में करना है तो आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नॉट देखिए लिखा हुआ है नॉट श्योर स्टार्ट विद ए फ्री साइट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे फ्री साइट पर। आपका जो साइट यानी वेबसाइट वो रेडी हो चुका है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रेडी हो रहा है। तो ये देखिए योर साइट हैज़ बीन क्रिएटेड, तो यहाँ पर सब कुछ हो गया। अब यहाँ से आप जो है अपना होम पेज है वो उसको जो है सेट कर सकते हैं, टैगलाइन बना सकते हैं, लॉन्च योर साइट, मतलब सारी चीज़ें हैं आप इस पे सेट। अब ये आपका ना वेबसाइट हो गया आपके, ये जो है sonalsite.wordpress.com, ये एक आपका डोमेन एड्रेस हो चुका है, ये जो है sonalsite.com डॉट ब्लॉग ये wordpress.com। ये वर्डप्रेस इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि हमने फ्री में किया है, तो ये हमारा जो है एक सब डोमेन दे रहा है, तो ये फ्री है, आप चाहें तो इससे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है, और पैसे कमा सकते हैं शुरुआत में। आप यदि आपके पास पैसे नहीं है और कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो फ्री में भी जो है वेबसाइट बनाकर ब्लॉग बनाकर पैसे कमा सकते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिजाइन करना है तो हम डिजाइन पर क्लिक करके यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, थीम लगा सकते हैं, नीचे आपको देखा आपने थीम का ऑप्शन भी था तो थीम लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है पूरा वेबसाइट का सेटअप करेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा फिलहाल के लिए, देखिए इस तरह से हम जो है काफ़ी टाइम लगता है पूरा सेटअप करने में, और सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप जो है आराम से जो है कस्टमाइज, धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। देखिए साइट आइडेंटिटी के बारे में लिखना होगा, मेनू क्या रखना चाहते हैं, विडगेट वगैरह, होम सेटिंग वगैरह, तो चलिए साइट एडिटिंग में आइडेंटिफाई में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप ऑल लोगो जो है सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जो भी लोगो चाहे तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर को फाइल आ जाएगा, और इसको नीचे अपने कंप्यूटर से लेना चाहते हैं यदि आपका लोगो है कंप्यूटर में तो उससे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है एक मैंने कोई एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ, ताकि जो है देखिए कुछ आ रहा है तो राम जी टेक्निकल ये आ रहा है, चलिए मैं इसी को निकाल रहा हूँ, ठीक है एग्जाम्पल के लिए। चलिए यहाँ पर तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो ये सिर्फ बोल रहा है अभी क्रॉप करने के लिए, तो यहाँ से इसको हम क्रॉप कर सकते हैं ऐसे। ये मैं बेसिकली आपको लोगो बनाना सिखा रहा हूँ, लोगो बनाना नहीं, लोगो को आपको अपने वेबसाइट पर लगाने के लिए। तो ये देखिए ये मैंने लोगो एग्जांपल के लिए लिया है, और यहाँ पर देखिए लोगो भी आ जाएगा, देखिए रामजी टेक्निकल आ गया, ठीक है दोस्तों। अभी ये साइट का नाम आ गया, इस पर आप टैगलाइन देख सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ब्लॉगिंग के बारे में बताना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए ब्लॉगिंग एंड CEO के बारे में जानकारी हम जो है देने वाले हैं, तो यहाँ पर SEO भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख कर आएगा ब्लॉगिंग एंड CEO, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों ये पूरा सेटअप हो रहा है। अब इसके बाद क्या है ना, आप यहाँ पर देखिए साइट आइकॉन लगा सकते हैं, यानी कि जो फेविकॉन होता है यहाँ पर जो कॉर्नर में दिखता है वो लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया, और उसके बाद चलिए, लेकिन उससे पहले मान लीजिए कि हमें जो है कुछ अगर सेटिंग करनी है, तो ये देखिए मीनू है, मीनू में आप जाके यहाँ पर क्रिएट मीनू पर क्लिक करके आप कुछ भी यहाँ पर जो यहाँ पर दिखता है जिसके ब्लॉगिंग के बारे में, तो मान लीजिए ब्लॉगिंग ब्लॉग कैसे बनाए, SEO वगैरह, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मेरा एक रामजी टेक्निकल वेबसाइट है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो लिखता है, देखिए ये जो है ये लिख रहा है ना होम वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए ब्लॉगिंग संपर्क करें वगैरह। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर अपना मीनू जो है बना सकते हैं, इस पर आपको बनाना होगा, यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है वगैरह कुछ भी यहाँ पर टाइप करके आपको एक मेनू जो है क्रिएट करना होगा। और क्रिएट पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ऑप्शन कहेगा ऐड करने के लिए, देखिए यहाँ पर ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो होम ऐड कर दीजिए, ब्लॉग फीड ऐड कर दीजिए, ठीक है, और काफ़ी सारे पोस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। तो अभी क्या है, ये हमारा जो यहाँ पर लिख कर आएगा, देखिए अभी लिख कर आएगा ये, ठीक है ये पब्लिश हो चुका है, और उसके बाद से जो है इसको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा प्राइमरी में, इसके बाद पब्लिश करते हैं, देखिए अभी आ गया ना होम ब्लॉग फीड माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। इसको चाहें तो हम फुटर में भी कर सकते हैं, यहाँ से सेटिंग कर देंगे तो फुटर में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है ब्लॉग पर बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, और इसके बाद जो है अपना पोस्ट डालकर जो है वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो को पसंद आई होगी, मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि आप कैसे एक फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को है, जैसे कि होम पेज सेटिंग करना होता है, क्या कुछ लगाना चाहते हैं, अलग से कुछ कोडिंग करना चाहते हैं तो CSS में जाइए, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो है आप इसको करने के बाद आप जो आपकी वेबसाइट है
वो पूरी तरह से रेडी है रन करने के लिए। देखिए यहाँ पर सब कुछ बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से लोगो दिखेगा, अगर मोबाइल पर आप चलाएंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ये मोबाइल पर आपका आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका इस तरह से मोबाइल पर दिखेगा, ये मेनू पर क्लिक करेंगे तो ये दिख रहा है इसे, ठीक है दोस्तों। तो आपको आपको भी मेरे ख्याल से इस तरीके से आपको वेबसाइट बनाना आ गया होगा कि आप जो है फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम जाकर यहाँ पर सर्च करते हैं, जो हमने डोमेन वहाँ पर दिया था वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। वर्डप्रेस ये मैंने दिया था, तो जब यहाँ पर सर्च करते हैं इसको, यहाँ से जो है हम इसको हटा देते हैं। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा वेबसाइट आ गया, सोनल साइड wordpress.com पर आ गया। देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ये रेडी हो चुका है। हालांकि यहाँ पर रामजी टेक्निकल दिखा रहा हूँ, अगर मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप वेबसाइट बना चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है दिखेगी। तो आप जो है ना, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्री में चाहें तो अपना ब्लॉग और वेबसाइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे फ्री है। और हो सकता है आपको एक सब डोमेन मिलेगा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में आपके पास पैसे हो जाए तो उसको परचेज कर सकते हैं, सीधे जो है आप सीधे .com लगा सकते हैं या फिर .org .net वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से वेबसाइट बनाना आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वेबसाइट बनाना आप सीख गए या फिर नई कुछ आपके क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो ramjitechnical.com पर जाइए। आपका वहाँ पर क्वेरी का कुछ भी है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं हमें जो है, या फिर कमेंट पर भी लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।